नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है और आज हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स, यानी ये जो भी डाटा हमको गिवन है वो क्या चीज़ है, मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स है और 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब हमें क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। आर दे सेम, क्या मोड और मीडियन दोनों ही सेम है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो लिखना है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक जनरल वीडियो बताया था, जो मैंने पहले बता दिया था कि जैसे किस तरीके से हम मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आइए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना नहीं आएगा। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा दे रखा है, उसको हम किस में अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ हमें जाना है। तो सबसे छोटा नंबर यहां पर क्या है, 5 है, तो फर्स्ट में है 5, फिर आ जाएगा 9, 10, 12, 16, सॉरी 15 भी है यहां पर, फिर 16। उसके बाद आपको इसमें से देखना है कि छोटे से बड़े की तरफ कितने नंबर है, वो सारे हमें लिखने हैं, 19, 20, 20 कितने टाइम है, 4 टाइम है, उसके बाद 23, उसके बाद 24 एंड 25 हमारा 2 टाइम दे रखा है। तो हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, और अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकालते हो तो इसका मीडियन डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। मीडियन यानी क्या होता है, मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स दे रखे हैं वो 15 स्टूडेंट्स के दे रखे हैं, यानी 15 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, यानी 15 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, इसमें 8 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, यानी 7। फर्स्ट में हम 7 देख लेते हैं, देख लीजिए ये यहाँ तक हमारे 7 हो रहे, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे क्या हो रहे, 7 टर्म्स हो रहे। तो बीच में क्या बचा हमारा, 20 बचा है, तो इसका जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 20। एट्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 20 आ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूले से किस तरीके से निकालते वो भी बताया था, अगर आप फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे इस क्वेश्चन में तो मिडिल टर्म हमारा 20 आ गया है, क्योंकि ये जो नंबर थे वो क्या थे, ओड नंबर थे। लेकिन अगर इवन नंबर आ गया तो उसका मीडियन हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो भी आगे के क्वेश्चन में आएगा, तो उसमें भी हम समझ लेंगे उसको भी। तो यहाँ पर मिडिल टर्म हमारा 20 था तो मीडियन हमारा 20 आ गया। अब हम मोड निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म बनाएंगे डाटा की। अब हम मोड निकालने के लिए टेबुलर फॉर्म भी मैंने यहाँ पर तैयार कर दी है, एक तरफ मैंने मार्क्स लिखे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं मार्क्स की फ्रिक्वेंसी लिखी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर 20 कितने टाइम था, 4 टाइम था, तो मैंने यहाँ पर 20 कितने टाइम लिखा है, सिर्फ 1 टाइम लिखा है, यानी इसको हम यहाँ पर मार्क्स रिपीट नहीं करेंगे, वो जो रिपीटेशन है वो हमारा फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 5 कितने टाइम दे रखा है, 1 टाइम दे रखा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 1। 9 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो फ्रिक्वेंसी 1। 10 भी 1 है। अब 12 कितने टाइम है, तो 12 भी 1 टाइम है,
15 भी हमारा वन टाइम है, 16 भी हमारा वन टाइम है, 19 भी हमारा वन टाइम है, लेकिन 20 हमारा कितने टाइम है? 4 टाइम है। तो 20 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, 23 और 24 1-1 टाइम है और 25 2 टाइम है। ठीक है, 25 तो हमारा 2 टाइम है और बाकी ये 1-1 टाइम है। तो ये क्या बन गई? इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। अब हम यहाँ से मोड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड यानी क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या नजर आ रही है आपको? 4 नजर आ रही है। तो आपको क्या देखना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 4 है, तो हमारा डाटा कौन सा है 4 में? 20 हमारा डाटा है। यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन हमें देखना है कि कितना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट देखा हमने 4, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, इसी तरीके से हम मोड और मीडियन निकालते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जैसे इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि क्या मोड और मीडियन दोनों ही सेम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मीडियन और मोड दोनों ही क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर भी हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम वैल्यू। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखे हैं? कुछ डाटास दे रखे हैं, उनका हमें मीन, मोड और मीडियन निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोस। यानी 11 प्लेयर्स के क्या बता रखे हैं? रन्स बता रखे हैं। इसमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आर द थ्री सेम? क्या इनके भी जो तीनों ही वैल्यू आएगी, मीन, मोड और मीडियन की, क्या वो सेम आएगी? तो ये भी हमें लास्ट में बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 11 प्लेयर्स के स्कोर बता रखे हैं, उसका मीन, मॉड और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम उस जो भी डाटा हमको दे रखा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो डाटा दे रखा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मीन निकाल लेता हूँ। तो मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका हम सम निकाल लेंगे। तो इसको पहले सम की फॉर्म में लिख लेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 11 है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 429 अपॉन 11। अब हम इसको क्या करेंगे? 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो 11 थ्री ज़ा 33, माइनस किया तो हमारे पास कितना आया? माइनस किया तो 9 आया, और ये ऊपर वाला 9 मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। 11 नाइन ज़ा 99। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 39। यानी मीन हमारे पास आ गया है 39। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी ओड नंबर दे रखे हैं, यानी जो भी डाटा है वो ओड नंबर में आ रहा है। तो मिडिल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? जैसे 11 है तो 5 और 5 दोनों साइड अगर हम छोड़ देंगे तो बीच वाला कौन सा मिडिल वैल्यू होगा? 6 ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हमने छोड़ दिए। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या आ रही है? 15। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा? 15। अब हम निकालेंगे मोड। मोड निकालने के लिए टेबुलर फॉर्म अरेंज करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पर हम टेबुलर फॉर्म बना देंगे स्कोर्स, और आगे क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पर एफ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाएगा 6, 8, 10, 15, 50, 80, 100 एंड 120। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें लिखनी है। 6 कितने टाइम दे रखा है? 1 टाइम। 8 भी हमारा 1 टाइम। 10 हमारे पास दे रखा है 2 टाइम, और 15 हमारे पास दे रखा है 3 टाइम,
और 50 हमारे पास है 1, और 80 हमारे पास 1 टाइम है, उसके बाद 100 और 120 भी 1 टाइम दे रखे हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, मोड देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें देखनी पड़ेगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 15। अब इसमें आगे एक और क्वेश्चन पूछा था कि मीन मोड और मीडियन की तीनों ही जो वैल्यू है क्या वो सेम आ रही है। तो मीन हमारे पास आ रहा है 39 और मीडियन हमारे पास 15 आ रहा है और मोड हमारे पास 15 आ रहा है, यानी तीनों ही वैल्यू सेम नहीं है। तो लास्ट में हमें लिखना है नो दिस 3 आर नॉट सेम। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी 15 स्टूडेंट्स का वेट बता रखा है। इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, यानी मोड और मीडियन ही निकालना है इसमें, और बताना है हमें इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इनमें एक से ज़्यादा मोड भी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो वो लिखने हैं हमें। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स का वेट बता रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर मैंने पहले ही अरेंज कर लिया है इसको। अब हमें इसमें सिर्फ क्या निकालना है, मॉड और मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स का डाटा बता रखा है, यानी इसका मीडियन तो बहुत ही इजीली निकल रहा है वापस, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हमारा 8th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, 40। तो हमारा मीडियन जो हो गया है वो हो गया है 40। तो क्योंकि यहाँ पर ओड में हमारे डाटा दे रखे थे तो हम मीडियन बहुत ही इजीली यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे मोड। मोड के लिए हम वही टेबुलर फॉर्म वापस अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज कर लिया है और किसी भी डाटा को मैंने रिपीट नहीं करा है। उसके बाद मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख ली है, लेकिन यहाँ पर 38 और 43 हमारा क्या आ रहा है, मोड आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, लेकिन 3 हमारा 2 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो मोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 38 एंड 43। तो हमको जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक से ज़्यादा मोड होंगे, तो यस यहाँ पर 2 मोड हो रहे हैं। तो यस देर आर 2 मोड्स फॉर द गिवन डाटा, यानी 38 एंड 43 हमारे 2 मोड्स आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, यानी जो भी डाटा दे रखे हैं इसका मोड और मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास डाटा गिवन है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12 है, 12 2 टाइम है, 13 वापस 13 आ रहा है, 14 3 टाइम आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 16 आ रहा है, और कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम ही आ रहा है, तो 16 को एक ही बार लिखा, उसके बाद आ रहा है हमारा 19। अब यहाँ से आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमने जो अरेंज करा है उसमें सारे नंबर इंक्लूड हो चुके हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोड और मीडियन निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मिडिल ऑब्जर्वेशन को आपको देखना है, वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 टर्म्स है। तो हमारा मिडिल जो टर्म है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, यानी जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो हमारी मिडिल टर्म होगी।
तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है, 14 हमारा हो जाएगा मीडियन। ठीक है, यानी आप यहां से देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी बीच में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अब हम निकालेंगे मॉड। मॉड निकालने के लिए वही करेंगे, हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और किसी भी डाटा को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डाटा और यहां पे आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। डाटा में हमारे पास फर्स्ट है 12 13 14, उसके बाद है 16 एंड 19। 12 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम है, फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 13 की भी फ्रीक्वेंसी 2, 14 की फ्रीक्वेंसी 3 और 16 की फ्रीक्वेंसी 1 और 19 की 1 हो गई। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी इन स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। यस, जो भी मोड है वो हमारा उसी डाटा में से ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। क्या मीन भी डाटा के अंदर से ही आता है, यानी डाटा का ही कोई एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी डाटा का नंबर नहीं होगा। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। क्या मीडियन इन्हीं डाटा में से कोई एक नंबर होता है, यस, ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद द डाटा, यानी डाटा दे रखा है और उसका मीन बता रखा है 9, क्या 9 इसका मीन होगा, तो ये इसका मीन नहीं होगा। ठीक है, यानी जो मीन होगा वो डाटा के नंबरों में से नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि एक्सरसाइज 3.2 आपको क्लियर हो चुकी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।